हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। तो व्यूअर्स, हम बात करने वाले हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या से लेकर के जो छात्र बीएड प्रथम वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष का एग्ज़ाम का इंतज़ार कर रहे थे। तो हम लोग देखेंगे कि जो है कि अभी टाइम टेबल जारी किया गया है या नहीं जारी किया गया है। तो इसके लिए जो है कि आप भी इसी तरह से चेक कर सकते हैं डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद आपको पहला ऑप्शन मिलेगा यूनिवर्सिटी कॉर्नर। यूनिवर्सिटी कॉर्नर से आपको नीचे चलना है। यहाँ से आने के बाद आप नीचे आएंगे तो स्टूडेंट कॉर्नर आपको मिलेगा। स्टूडेंट कॉर्नर में आने के बाद जो है कि आप नीचे आएंगे। यहाँ नीचे आने के बाद जो है कि आप देखेंगे एग्जामिनेशन स्कीम, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो फ़िलहाल में टाइम टेबल जारी किया गया है, कुलपति महोदय के आदेशानुसार आवासीय परिसर एवं महाविद्यालय बीबीए बीसीए सेकेंड और फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर मेन परीक्षा कार्यक्रम के संबंध में सूचना जारी किया गया है। हम लोग इस टाइम टेबल के बेस पे लगाएंगे अनुमान कि हम सभी छात्रों का एग्ज़ाम यूनिवर्सिटी कब तक कंडक्ट करवा सकती है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहा है 3/9/2022 अर्थात 3 सितम्बर से इनका एग्ज़ाम प्रारंभ हो रहा है। और एग्ज़ाम इनका कब तक चलेगा, एग्ज़ाम जो है कि इनका चलेगा 8/9/2022 अर्थात 8 अगस्त तक इन छात्रों का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो हम अगर यहीं पे बात करें कि बीएड प्रथम वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष के छात्रों का एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, जो बीएड प्रथम वर्ष हैं और बीएड द्वितीय वर्ष हैं, तो आप लोग जान ही सकते हैं कि यूनिवर्सिटी कोई भी टाइम टेबल जो जारी करती है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय अयोध्या, यहाँ पर जो है कि 10 दिन पहले जो है कि टाइम टेबल जारी किया जाता है। तो आप लोग मान के चलिए कि जल्द ही आप सभी छात्रों का टाइम टेबल जो है कि यूनिवर्सिटी जारी करेगी। आप लोगों को मैंने इसके पिछले वीडियो में एक नोटिस दिखाया था जिसमें से एक कॉलेज के द्वारा छात्रों को इन्फॉर्मेशन दिया गया था कि 30 अगस्त से पहले जो है आप सभी छात्रों का टाइम टेबल जारी कर दिया जाएगा। तो सुनने में आ रहा है कि जो है कि छात्रों का टाइम टेबल जो है 30 से पहले जो है कि जारी कर दिया जाएगा और एग्ज़ाम जो है वो इनका जो है कि लगभग यही जो है कि 5 सितंबर के बाद ही कंडक्ट करवाया जाएगा, अर्थात 10 सितंबर के पास में ही करवाया जाएगा। आप लोग मान के चलिए 10 सितंबर से 2-1 दिन पहले या 2-1 दिन बाद, अर्थात 8 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर के बीच में ही आप सभी छात्रों के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे और 20 सितंबर तक आपके एग्ज़ाम खत्म हो जाएंगे। तो आप सभी छात्र जो है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखिए। जो बीएड प्रथम वर्ष के छात्र हैं उन छात्रों के लिए हमारे इसी चैनल पर आप जाएंगे प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाने के बाद वहाँ पे आप एक देखेंगे राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी के नाम से एक जो है कि प्लेलिस्ट बना हुआ है। उसमें आप सभी छात्रों के जो है कि देखेंगे 2016 से लेकर के 2021 तक के प्रथम वर्ष के सभी प्रश्न पत्र को वहाँ पे हमारे द्वारा अपलोड किया गया है। तो आप लोग वहाँ से जा कर के अपना प्रीवियस ईयर पेपर जो है कि डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी प्रकार से सेकेंड ईयर के छात्रों का भी हम करने वाले हैं, 2-1 दिन में उनका भी अपलोड कर दिया जाएगा। जो सेकेंड ईयर प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में उन भी छात्रों का प्रीवियस ईयर पेपर हमारे इसी चैनल पे जो है कि अपलोड कर दिया जाएगा। हम आशा करते हैं आप सभी छात्रों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी समझ में आई होगी। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जैसे ही इन्फॉर्मेशन आएगी आपके बीएड प्रथम वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष के एग्ज़ाम से रिलेटेड में, वैसे ही आप सभी छात्रों को इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा। और एक बात है कि बीएड प्रथम वर्ष और बीएड द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं वे छात्र इस चैनल से जुड़े रहेंगे, क्योंकि बीएड के प्रथम वर्ष के जैसे आपका जोन सा पेपर रहेगा, जैसे आपका बीएड प्रथम वर्ष का अगर प्रथम पेपर है तो उसी दिन आपको शाम को 6 बजे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है कि आपके जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो 100% जो है एग्ज़ाम में आने के चांसेस होंगे, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी छात्रों को दिया जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल चैनल से जुड़े रहिए, जिससे कि जो पेपर आने वाला हो उसी पेपर के बेस पर जो है कि आप सभी छात्रों को पेपर दिया जा सके। तो आप सभी छात्र जो है कि चैनल से जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।